हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्विक नाश्ता पोहा रेसिपी। हमने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं। ये देखिए, ये है जाड़ा पोहा जिसे हम स्पेशली पोहा बनाने में यूज़ करते हैं। अभी इसे वॉश करना बाकी है, पहले हम सभी इंग्रेडिएंट्स को देख लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया है सरसों के दाने, हल्दी, नमक, और यहाँ पे मैंने सारे यूज़ करने वाले सामग्री रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्याज कट करके रख लिया है, हरी मिर्च और आलू और करी पत्ता, यहाँ पे मैंने हरा धनिया चॉप कर लिया है, यहाँ पे सींग रख लिया है और टमाटर और आधा नींबू यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे जिसमें पोहा बनाना है, और मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून उसमें ऑयल यूज़ किया है। आप ऑयल ऑब्वियसली रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करेंगे। सरसों के दाने हम उसमें, तेल गरम हो जाए उसमें सरसों के दाने ऐड कर देंगे, फिर करी पत्ता उसमें ऐड करेंगे, और फिर हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च थोड़ी सी ड्राई हो जाए इतना रखना है। एक बार उसको चला लेते हैं हम। हरी मिर्च ड्राई हो गई है, अब हम प्याज के टुकड़े उसमें डाल देते हैं। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए उसके बाद ही हम बाकी की सामग्री इसमें ऐड करेंगे। देखिए, प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन होने लगा है। अब उसमें हम चॉप किया हुआ आलू का छोटा छोटा टुकड़ा डाल देते हैं, उसे भी हम चला लेंगे। अब हम उसमें सींग के दाने यूज़ करेंगे और उसे भी चला देंगे। कुछ देर, 4 से 5 मिनट उसे हम चलाएंगे और छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद में फिर हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। नमक और हल्दी इसलिए डाल देते हैं क्योंकि वो पक जाए, और नमक डाल देंगे जिससे जल्दी प्याज और आलू भुन जाएगा। अब उसे हम 2-3 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, अच्छे से चला लेते हैं। चला करके ढक करके हम उसे कवर करके रख देते हैं साइड में। अब हम जो ये पोहा लिया था उसे मैंने वॉश करके रख लिया है। अब उसे मैं 1/2 लेमन जो लिया था उसे ऐड कर दूँगी, ऐड करके उसे चला दूँगी अच्छे से, जिससे नींबू का रस पोहे में मिल जाए। इसमें नींबू का रस डालने का एक रीज़न है, अच्छे से वो सभी पोहे में मिल जाएगा और उसका स्वाद पोहे में अच्छे से आएगा। अब हम यहाँ पे खोल करके ढक्कन देख लेते हैं, अच्छे से प्याज और सींग और आलू भुन चुका है। अब हम उसमें ये मिलाया हुआ पोहा डाल देते हैं। पोहा डाल देने के बाद में अब हम उसे चलाएंगे और सभी हल्दी, नमक, मिर्च और जो भी सामग्री हमने डाली उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में उसे फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, जिससे एक स्टीम मिल जाए और एक स्टीम में वो अच्छे से पक जाए। और फिर हम उसमें टमाटर, हरी धनिया भी ऐड कर देते हैं, और फिर वापस से हम उसे 1 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, जिससे हरी धनिया, टमाटर अच्छे से मिल जाए। अब हमने उसे 1-2 मिनट के बाद में खोला है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, और प्लस एकदम खिले खिले से पोहे हमें नज़र आ रहे हैं, और हमारा ये पोहा रेसिपी रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे, और फिर आप इसे जिसके साथ जैसे मन हो, नमकीन सेव के साथ में आप इसे खा सकते हैं या फिर बीट के साथ में। थैंक यू गाइज़।